गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकलवाने जा रहे हैं, यानी कि सी एस सेंटर पर या फिर कैफे में या फिर कहीं भी बैंक में भी जाते हैं, तो बैंक में भी अब सर्वर डाउन बता रहा है, जो कि कल सुबह से हुआ है दोस्तों। यानी कि 1 अक्टूबर की सुबह से ही तकरीबन सर्वर डाउन बता रहा है, और दिन में पूरे दिन में दोस्तों रुक रुक कर जो कि चल रहा है बैंक। और दोस्तों, 15-20 मिनट पर चलता है और बाकी टाइम बंद रहता है बैंक, यानी कि सर्वर डाउन दिखाता है, तो आप पैसा विड्रॉल नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, वैसे ही आज हो रहा है, यानी कि आज जैसे 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की छुट्टी है, इसी कारण से बैंक बंद है। तो दोस्तों, अगर आप सी एस सेंटर पर चेक जो कि बैलेंस निकलवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना बैलेंस ज़रूर चेक करवाएँ। अगर बैलेंस चेक हो जाता है तो ही आप पैसा निकासी करें उसमें से, यानी कि निकालें। तो दोस्तों, अगर आप पहले पैसा निकालेंगे यानी कि चेक करवाए के बगैर, तो दोस्तों आपका पैसा जो कि सर्वर में फंस जाएगा और 72 घंटे में जो कि आपके खाते में रिफ़ंड होगा। बाद में दोस्तों आपको ही परेशानी होगी इसके बारे में, इसलिए सबसे पहले दोस्तों दुकानदार से कहिए कि हमारा बैंक खाता जो कि स्टेट बैंक का है, और उसमें बैलेंस चेक करें कितना बैलेंस है। तो दोस्तों, अगर वो बैलेंस चेक हो जाता है आपका और बैंक बैलेंस आपका सही बताता है, तो ही आप विड्रॉल करें पैसा, वरना आप दोस्तों जो कि विड्रॉल बिल्कुल ना करें, आपका पैसा जो कि सर्वर में फंस जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।